Now, Sri Vikas Mahatma. माननीय चेयरपर्सन सर धन्यवाद हम सब जानते हैं सर कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिक यह देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही हम प्लानिंग कर सकते हैं और हमारे डेवलपमेंट की स्पीड भी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए और यह एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग या वस्तुनिष्ठ हम जो नीतियाँ अपनाना चाहते हैं उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है ये चुनौतियाँ जानने के लिए ज़रूरी है चुनौतियाँ समझने के लिए ज़रूरी है नीति बनाने के लिए ज़रूरी है और वह कार्यान्वित करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है यह सब आखिर में गुड गवर्नेंस में ही आता है जो कि सरकार की नीति है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेट हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है This ministry has taken many steps for improving the process of data collection previously also. और इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही है इसलिए यह विधेयक अभी मैं मानता हूँ कि यह विधेयक से यह कठिनाइयाँ दूर होगी कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2008 को लागू किया था उसके बाद में जम्मू कश्मीर में 2010 का एक फिर से उन्होंने एक्ट पारित किया 2010 में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का विच डिड नॉट कवर द मैटर स्पेसिफाइड इन लिस्ट वन ऑफ यूनियन लिस्ट इन सेवन शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर इसलिए इसमें ये जो शेड्यूल में यूनियन लिस्ट स्पेसिफाइड इन लिस्ट यूनियन लिस्ट वन उसमें के जो भी प्रावधान हैं वह जम्मू कश्मीर के 2010 के एक्ट के तहत आते नहीं थे इसलिए मुझे लगता है कि इस नए कानून के ये नए विधायक के अंदर इसका प्रावधान किया हुआ है और इसलिए मुझे लगता है कि यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए क्योंकि हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की परिस्थिति गंभीर है यदि परिस्थिति गंभीर है तो आज मुझे लगता है कि डाटा कलेक्शन से डाटा एनालिटिक्स से ही हम वह गंभीर परिस्थिति को सुधार सकते हैं और मैंने जैसे कहा नीतियाँ कौन सी अपनानी यह तय करने के लिए भी यह बहुत ज़रूरी रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में यह लागू होने से पूरे देश में यह लागू होगा और इसके पहले भी 271 के तहत बाकी राज्यों में भी कुछ कुछ कानून लगाए नहीं जाते ऐसा बताया गया लेकिन फिर उस वक्त भी हम हर बार उन स्टेट्स को कंसल्ट नहीं करते जबकि हम कानून उनके लिए भी बनाते हैं डाटा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ऐसे कहा गया था लेकिन मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी है कारोबार में और मुझे लगता है कि इस ट्रांसपेरेंसी के जरिए हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी नीति जो भी अपनाई जाएगी वह लोगों के फायदे के लिए ही होगी और दूसरा इस विधेयक के अंतर्गत नोडल एजेंसी जो बहुत ज़रूरी थी जो 2008 के विधेयक में नहीं थी और इसलिए भी यह संशोधन की बहुत आवश्यकता थी और इसलिए मुझे लगता है कि इस विधेयक के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो एम्पावरमेंट हुआ है इसके लिए यह नया विधेयक बहुत ज़रूरी है यह विधेयक प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए है और इस एक्ट के तहत ये अच्छे से हो पाएगा इसलिए मैं इसका समर्थन देना चाहता हूँ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच श्री राम